Hello friends, myself Santlal Singh and I welcome you all to my YouTube channel The English Education Era. तो LT grade के पाठ्यक्रम में संकलित अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखित उपन्यास The Old Man and the Sea पर आधारित टेस्ट सीरीज को आज हम हल करेंगे. टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले The Old Man and the Sea के बारे में संक्षेप में बता देना चाहेंगे कि The Old Man and the Sea अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक शॉर्ट नॉवेल है और यह नॉवेल इतना पॉपुलर हुआ कि इसे साहित्य का नोबेल प्राइज और उपन्यास का पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया. इस नॉवेल को सन 1951 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने क्यूबा में लिखा था और यह उपन्यास 1952 में पब्लिश हुआ. तो आइए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन. द ओल्ड मैन एंड द सी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सितंबर 1952 इन आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइफ. लाइफ में प्रकाशित हुआ था द ओल्ड मैन एंड द सी नामक उपन्यास सितंबर 1952 में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस. कहानी कहाँ घटित होती है. तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू. क्यूबा. क्यूबा में यह कहानी घटित होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हेन द नॉवेल ओपन्स हाउ मेनी डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कास्ट फिश. जब कहानी शुरू होती है तो कितने दिन व्यतीत हुए रहते हैं जबकि सैंटियागो ने अंतिम बार मछली पकड़ी थी. सो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू. 84 डेज. क्वेश्चन नंबर फोर. हेमिंग्वे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू 1954. यानी हेमिंग्वे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फाइव. इन द ओल्ड मैन एंड द सी सैंटियागो ईच. सो ऑप्शन नंबर बी इज टू अ क्यूबन फिशरमैन. क्यूबा का एक मछुआरा था सैंटियागो. एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स. मॉर्लिन इज 18 फीट लॉन्ग इट ईच. मॉर्लिन 18 फीट लंबी थी. यह क्या थी. आंसर ऑप्शन नंबर डी इज टू अ फिश. मॉर्लिन जो कि 18 फीट लंबी थी यह एक मछली थी जिसे सैंटियागो ने पकड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर सेवन. द ओल्ड मैन एंड द सी रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन. आंसर ऑप्शन नंबर ए 1953. द ओल्ड मैन एंड द सी को उपन्यास का पुलित्जर पुरस्कार 1953 में मिला था. क्वेश्चन नंबर एट. द स्ट्रगल बिटवीन सैंटियागो एंड मॉर्लिन सिंबोलाइजेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू. द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर. यानी कि मॉर्लिन नामक मछली और सैंटियागो के बीच जो संघर्ष हुआ था वह किसका प्रतीक है. ऑप्शन नंबर बी द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर. मनुष्य मानवता का जो प्रकृति के साथ संघर्ष हो रहा है, प्रकृति के विरुद्ध जो संघर्ष हो रहा है उसी का द्योतक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन. इन व्हिच मंथ डज द स्टोरी ऑफ द नॉवेल टेक प्लेस. उपन्यास की कहानी किस महीने में घटित होती है. सो आंसर ऑप्शन नंबर सी सेप्टेम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टेन. व्हाट डज सैंटियागो कॉल द सी. समुद्र को सैंटियागो क्या कहता है. सो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू. ला मार. क्वेश्चन नंबर इलेवन. सैंटियागो इज सक्सेस टू किल द कैप्टिव फिश ऑन. सैंटियागो जो है मछली को मारने में सफल होता है. आंसर ऑप्शन नंबर सी द 87th डे. सत्तासीवें दिन वह सफलता प्राप्त करता है मछली को मारने में. एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट.
Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. Who made this statement? मनुष्य हारने के लिए नहीं बना है. एक मनुष्य नष्ट हो सकता है परंतु वह हार नहीं सकता, हराया नहीं जा सकता. यह कथन किसका है? सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, सेंटियागो. यह कथन सेंटियागो ने कहा था. तो चलिए दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज को यही समाप्त करते हैं. समाप्त करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि कृपया मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें. अगली सीरीज में हम द ओल्ड मैन एंड द सी से ही और प्रश्न लेकर आएंगे. तब तक के लिए जय हिंद.